शहरी क्षेत्र के मकतपुर से हुए मोटरसाइकिल चोरी के मामले में वीमार्ट प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। इसको लेकर भुक्तभोगी ने नगर थाना में शनिवार को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। दरअसल बीते 15 मार्च को शॉपिंग मॉल के बाहर से पचम्बा के तिवारीडीह निवासी रामचरण रविदास की मोटरसाइकिल गायब हो गई थी। रामचरण रविदास ने वीमार्ट प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो मैनेजर ने सीसीटीवी खराब होने का हवाला देकर रामचरण को ही घटना का दोषी ठहरा दिया। मैनेजर ने स्पष्ट रूप से माना कि पिछले एक साल से शॉपिंग मॉल का सीसीटीवी कैमरा खराब है, जबकि प्रशासन की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि तमाम प्रतिष्ठान अपने सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त रखे ताकि विधि व्यवस्था संधारण में मदद मिल सके। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं वीमार्ट के मैनेजर। भैया मेरा जितने भी दिन से खराब हो, मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आज आपको तकलीफ कैसे होगा? कस्टमर का गाड़ी पार हो रहा है ना, आपका नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। चांस है, आप बाइक लेके आ रहे हो और आप आज चलो आपने वीमार्ट में लगा दिया, आप मेरे को ब्लेम कर रहे हो कि कहीं और लगाते वहाँ से चोरी होता तब क्या करते? वहाँ अगर मान ले कैमरा नहीं नहीं रहता कुछ तब क्या करता? किसी को बोलने के लिए ये तो मतलब नहीं ना हुआ, ये ब्लेमिंग का जगह नहीं ना। आप मेरे से हेल्प मांगो, मैंने पुलिस को बुलाया है, मैंने कोशिश करवा रहा हूँ, इसका कैमरा लगा हुआ है यहाँ। अगर एक चप्पल रुमाल चोरी होगा तो यहाँ कैमरा अंदर में लगा हुआ है तो बाहर में सारा कुछ लगा हुआ है। मेरा आठ कैमरा एक साल से खराब है, एक आग नहीं है। अगर कलकत्ता बाजार वाला कैमरा नहीं लगा था, वहाँ चोरी होगा तो कलकत्ता बाजार वाला फंसे करे। अगर कैमरा ऑन रहता तो देखते कि हाँ भाई कौन गाड़ी ले जा रहा है। आप मान लो कि ठीक है, हम कैमरा रहता आप देख लेते ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हेल्प होता नहीं होता। कहने मतलब कह रहा हूँ तो मेरी लापरवाही से आपकी लापरवाही का कोई लेना देना है? आपकी बाइक की चाबी दूसरे के चोरी से खुली, आपने बाइक का लॉक क्यों नहीं चेंज करवाया? मैं जब बोल देखो होने को तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक भी वीमार्ट के सामने से चोरी नहीं हुआ। आप कैसे जानते हैं कि मेरी बाइक का चाबी दूसरे बाइक से खुल जाता था? मैं कहाँ जानता हूँ, आप वो बात कैसे बता रहे? कैसे हमको हमें कैसे पता कि आपका बाइक यहीं से चोरी हो? तो ठीक है, आप कैमरा नहीं है तो हम भी आपकी बात हम मान लें, हम आपकी बात कैसे बात तो बतंगड़ी बना रहे हो। इधर वीमार्ट के सुरक्षा गार्ड ने भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। गार्ड का कहना है कि मॉल के पार्किंग में खरीदार अपनी जिम्मेवारी पर ही मोटरसाइकिल लगा सकते हैं, चोरी होने पर मॉल की जिम्मेवारी नहीं होगी। गाड़ी अपना लगाइए जाइए, सिर्फ इतने पार्किंग इधर करना पड़ता है। अकेला गार्ड हूँ मैं, कभी काउंटर कभी अंदर, कभी गेट पर, कभी ट्रायल रूम देखना पड़ता है। ठीक है, आप सबको बोल देते हैं कि आप बोलबो करते हैं हमको कि भैया आप गाड़ी देखिएगा, हम तो अपना रिक्शे गाड़ी लगाइए। तो यहाँ बैनर क्यों नहीं लगवाएं कि गाड़ी अपना रिक्शे पर, गाड़ी आपका चोरी हो गया? लिखा हुआ गाड़ी चोरी होगा उसका जवाब नहीं आपका है, वो पार्किंग लिखा हुआ, वो पार्किंग लिखा हुआ। जैसे आप ये यहाँ बोर्ड लगवाइए, आप ही मेरा जगह में रहिए, आप ही मेरा जगह में रहिए भैया, और आप ही सोच के देखिए कि नया जगह नहीं है। कितना दिन से डिप्टी कर रहे हैं, कितना दिन से डिप्टी कर रहे हैं? इधर भुक्तभोगी रामचरण दास अब पुलिस प्रशासन की शरण में है और नगर थाना से मोटरसाइकिल बरामदगी की गुहार लगा रहा है। सोमवार को 15 तारीख को वीमार्ट शॉपिंग करने के लिए गए थे, शाम को 6 बजे लगभग। जब वहाँ गए पार्किंग में गाड़ी अपना लगाए और लगभग आधा घंटा के बाद जो हम तुरंत को शॉपिंग करके आ गए, वो बिलिंग भी मेरे पास है और देखते हैं गाड़ी नहीं है। जब गार्ड से मैंने पूछा जी कि मेरा गाड़ी यहाँ था, सो गाड़ी कहाँ गया? बोल पता ना आपका गाड़ी को तो हम ठेका थोड़ी लिए हैं। इस तरह का बात हुई, प्रशासन को जब मैंने इसको सूचना दी आवेदन के तहत, तो प्रशासन भी मुझे खुल आश्वासन दिए हैं कि जो है सो इस पर बहुत जल्द जो है से पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और गाड़ी आपको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं।